नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर फरखाबाद से। मुलायम सिंह यादव की सपाइयों ने मनाई प्रथम जयंती। खबर फरखाबाद से। सपाइयों ने जयंती मनाकर नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला। नेताजी के नाम से जिले में पुस्तकालय खोलने का किया आह्वान। बड़ी संख्या में सपाइयों ने जिला अस्पताल लोहिया पहुंचकर नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में मरीजों को किए फल वितरित। पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव की अगुवाई में किया गया जयंती का कार्यक्रम। फरखाबाद के आवास विकास स्थित सपा पार्टी कार्यालय का ये पूरा मामला है, जहां मुलायम सिंह यादव की सपाइयों ने मनाई प्रथम जयंती। फरखाबाद से रिपोर्ट देखिए रघुवंश दुबे के साथ। आज नेताजी की पुण्यतिथि, वो सॉरी जयंती है, हैं? किस तरीके से मनाई गई आज उनकी गैर मुझे? देखिए, नेताजी की प्रथम जयंती है नेताजी की। निश्चित रूप से हम लोग कहीं ना कहीं बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं सभी समाजवादी, हमारे सभी समाजवादी साथी, क्योंकि बहुत समय नहीं हुआ नेताजी को गए हुए हैं। और आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि फरुखाबाद जिले में हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे और तमाम हमारे सीनियर साथी थे कि नेताजी की याद में एक हम लोग मूर्ति लगवाएंगे और एक पुस्तकालय बनवाएंगे, जहां नेताजी के संबंधित, नेताजी से संबंधित सारा लिटरेचर होगा, ताकि जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो नेताजी के बारे में जान सके, उनको पढ़ सके, क्योंकि नेताजी एक बहुत बड़ा ग्रंथ थे। शायद अगर आप जीवन भर उनको समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम एक जगह व्यवस्थित रूप से उनके बारे में काफी गुजर देंगे तो आने वाली पीढ़ी को इसका फायदा मिलेगा। नेताजी का सबसे बड़ा सपना था कि सैफई से लेके पार्टी में सब एकजुट रहे। आप कैसे इन सब चीजों को, उनके सपनों को समाजवादी पूरा कर सकेंगे? देखिए, नेताजी ने जो समाजवादी पार्टी बनाई थी तो समाज को साथ में लेकर चलते, और समाज में जो है पूरा हिंदुस्तान आ जाता है, और ऐसा कभी रहा ही नहीं। हम लोग सब हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और जिसके विचार नहीं मिलते, जो अवसरवादी लोग होते हैं, वो तो अक्सर फायदा लेने के बाद चले ही जाते हैं। ये पार्टी में नहीं, ये तो हर जगह लागू है, चाहे आपका परिवार हो, चाहे पार्टी हो, चाहे समाज हो, चाहे प्रदेश हो, देश हो, अवसरवादी लोग हर जगह आते हैं और लाभ लेके चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चे समाजवादी या जो सच्चे लोग होते हैं, वो विपत्ति के समय भी जो आपके साथ खड़ा होगा वही सच्चा समाजवादी होगा। और जो आपने बोला था सैफई से लेकर के पूरे हिंदुस्तान तक, देख लीजिए सारे समाजवादी एक हैं कि नहीं, कल परसों का भी आपने देखा होगा। तो सच्चे लोग विपत्ति के समय साथ आ जाते हैं आपके, जो भी साथी।